नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का अगला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, एओरिज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द एओरिज रेट ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की औसत दर क्या है? इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ए वी के द्वारा। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहां लिख लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, वो उसका कहलाता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करते हैं ये आपका आर है और ये है आपका पी। आर मीन्स आपका रिएक्टेंट, पी मीन्स हो गया प्रोडक्ट। जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट इनक्रीज करेगा। रिएक्टेंट में परस्पर रिएक्शंस होंगे और आपका इसके फलस्वरूप बनेगा आपका प्रोडक्ट। सेम वैसे ही सपोज करिए यहाँ कुछ आपने आलू ले लिया। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आलू लेंगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका बनने वाला है क्या, समोसे। तो जितने ज़्यादा आप रिएक्टेंट लेंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे खत्म होगी और धीरे धीरे समोसे की क्वांटिटी बढ़ेगी। उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शंस भी हैं। रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा, इनक्रीज होगा। यहां से जो है ये दो कंडीशनों में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय टू टाइप। इसे हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपका डिक्रीजमेंट कंसंट्रेशन ऑफ आर। डिक्रीजमेंट ऑफ या डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या है, कमी है। अगर व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय आर ए वी। सपोज दैट आर कन्वर्टेड इनटू पी। रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जितना ये लॉस हो रहा है उतना ये इंक्रीज कर रहा है। अब ये जैसे जैसे लॉस होगा वैसे वैसे इसका इंक्रीजमेंट होगा। तो इसे हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तो डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, या ए को हमने मान लिया है आर। दूसरा कंडीशन है आपका इंक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ। जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा वैसे वैसे पी क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। तो अगर हमें इसके लिए निकालना हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये है आपका आर ए वी इक्वल टू डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई आपका टाइम टेकन। सपोज करते हैं आपका ऑन टी वन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए को भी बड़े कोष्ठक में बिग कोष्ठक में लिख दिया जाए, ये इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। मान लेते हैं टी वन पे ए का कंसंट्रेशन ए वन है, सेम टाइप टी टू टाइम पर कंसंट्रेशन आपका ए का हम मान लेते हैं कि आपका हो गया ए टू। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए के कंसंट्रेशन में कितनी कमी है, ए के कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, तो आप लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए वन, ये होगा आपका फाइनल और ये होगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल या इसे आप लिख सकते हैं ए का कंसंट्रेशन ये हो गया फाइनल और माइनस आपका ए का कंसंट्रेशन ये हो गया आपका इनिशियल। अब ए टू माइनस ए वन है तो इसको हम लिख ले डेल्टा ए का कंसंट्रेशन। इसी प्रकार इस चेंजिंग में कितना समय लग रहा है, यहां लिख लेते हैं फार टाइम इक्वल टू टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा। तो आपका आ गया डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आप कह सकते हैं डेल्टा ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में धीरे धीरे डिक्रीजमेंट है, ह्रास है, कमी है, इसलिए यहां लिखेंगे आप माइनस। ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजमेंट को, कमी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम टाइप है आपका इसमें अगर आप चलते हैं, सेम टाइप जैसे कि डिक्रीजमेंट हुआ उतना इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका आर ए वी एवरेज रेट आ जाएगा डेल्टा। यहां हम लिख लेते हैं ये आपका ए मीन्स रिएक्टेंट हमने माना है, चाहे आर कर लेंगे चाहे क्या कर लेंगे ए कर लेंगे, यहाँ जो है डेल्टा पी कह लेंगे आप, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उसी प्रकार इसका भी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, इसमें पॉजिटिव है जो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसको अगर ग्राफिकल कहा जाए तो ये मान लेते हैं हम कंसंट्रेशन है और इधर मान लेते हैं हम टाइम है। चलते हैं यहां पर टाइम जीरो है, टाइम टी वन है, यहां टाइम टी वन है, टी टू है। तो टी वन पर हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन आपका ए वन है, ये ए वन कंसंट्रेशन है, आर वन है, कुछ भी सपोज कर लीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा टी टू होगा,
वैसे वैसे इसके कंसंट्रेशन में कमी आएगी, डिक्रीजमेंट होगा, ये घट करके आ गया यहां A2, ये इतना डिक्रीजमेंट हुआ। और अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी। और किसके कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट है, A के कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हो रही है। बट अगर कहा जाए कि T1 पे आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो पहले आपका T1 पे कंसंट्रेशन, आप इसको दूसरी टाइप से मान सकते हैं। मान लीजिए यहां T1 है, यहां कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं जैसा कि P माना गया, तो कंसंट्रेशन है आपका P1 है। जब T2 हो गया तो कंसंट्रेशन और बढ़ गया, तो यहां इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये हो गया आपका P2 कंसंट्रेशन, पहले क्या था P1, फिर T2 पे क्या हुआ बढ़ करके P2। अब पहले P1 यहां था, बढ़ करके क्या हो गया P2। अब इसको अगर बनाया जाए तो धीरे धीरे करके ये P1 पे कंसंट्रेशन है, और धीरे धीरे बढ़ करके जब T2 पे P2 हो गया तो ये ऐसे ग्राफ बन गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंसंट्रेशन P को, प्रोडक्ट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, रिएक्टेंट को। ये आप डायग्रामेटिक और ग्राफिकल देख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितना इसमें डिक्रीजमेंट होगा उतने इसमें इंक्रीजमेंट होगा, ये डिक्रीजमेंट इक्वल टू हो जाएगा किसके, आपके इंक्रीजमेंट के। अगर इसे डैश मान लिया जाए तो ये आप कहेंगे, इसको हटा देते हैं, ये हो गया है आपका RAV इज इक्वल टू R-AV, और ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है माइनस A या R लिखते हैं। मान लीजिए A है तो डेल्टा A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, इसको P लिख लीजिए या आप B लिख लीजिए, तो हो गया B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा T। इसे आप ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऑलवेज इक्वल होगा, जितना ये लॉस होगा उतना इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ये हुआ है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो टाइप से, दो कंडीशनों में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे देखते हैं। आपके कंपटीशन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो कैसे किया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। टू टाइप्स है, हमने फॉलोइंग टाइप्स लिख लिए हैं। पहला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सेम सिमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के सिमेट्रिक कोफिशिएंट नियतांक समान होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके देखते हैं हम एग्जांपल। यही पूछे जाते हैं। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो रिएक्शन किया क्लोरीन गैस से और बनाता है आपका COCl2, ये भी क्या है, गैस है। इसका नाम है आपका कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे कहा जाता है फॉस्जीन गैस,
दिस इज ए वेरी पॉइजनस गैस, यह अत्यंत विषैली गैस होती है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसके लिए आपको निकालना है क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं आर मीन्स रेट, ए वी मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इधर आपका बन गया है क्या प्रोडक्ट। तो ये आपने देखा कि दोनों का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा, इसमें जितनी कमी होगी उतनी उसमें वृद्धि होगी। तो इसको लिख लेते हैं एवरेज रेट इज इक्वल टू सी ओ का कंसंट्रेशन, और ये है आपका डेल्टा सी ओ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस प्रकार से इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल, ये हुआ Cl2 का कंसंट्रेशन, डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और ये दोनों वैल्यू रिएक्टेंट हैं इसलिए इसके पहले आप क्या लगा लेंगे माइनस। फिर आप चलते हैं इज इक्वल टू करते हैं प्रोडक्ट क्या है कार्बोनिल क्लोराइड, CoCl2 का कंसंट्रेशन डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसके पहले नहीं लिखने का मतलब पॉजिटिव है। तो ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्टेंट के पहले हम क्या लिखेंगे माइनस, इस बात को ध्यान देंगे। ये जो आपका सिमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट करता है मोल को, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन मोल है, तो सब में मोल आपका इक्वल है सेम है इसके लिए बनाया गया। सेम टाइप आप ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये डीकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 गैस। इसके लिए यदि हमें निकालना हो एवरेज रेट तो माइनस लिख लेंगे डेल्टा PCl5 इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा PCl3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इस प्रकार हम एवरेज रेट को रिएक्शन दिए हों तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिएक्शन दे दिया गया और पूछा गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, तो आप इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। यदि फर्स्ट कंडीशन है सेम होगा सिमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस नंबर ऑफ मोल्स, अगर यही वैल्यूज सेम की जगह हम बदल दें यहां क्या कर दें डिफरेंट कर दें। डिफरेंट के लिए एग्जांपल आप लिख लेते हैं कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा बनाया जा रहा है अमोनिया, एन टू वन मोल है, एच टू थ्री मोल है, बना आपका एन एच थ्री, सब आपका किस स्टेट में है गैसियस स्टेट। इसके लिए निकालते हैं एवरेज रेट माइनस, तो यहाँ हो गया है आपका
डेल्टा एन टू का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस। अब डिफरेंट में जो भी मोल्स रहेंगे वो आपका डिवाइड हो जाएगा। इस थ्री को लिखोगे वन बाई थ्री रिएक्टेंट है, इसलिए इसके पहले जो है आप लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री एच टू का कंसंट्रेशन डेल्टा एच टू का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू टू मोल है तो वन बाई टू अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपका आया एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। इस प्रकार से इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कह सकते हैं आप डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 लिख लेते हैं N2O5। इसे डिकम्पोज किया जाए NO2 5 एटम है 4 हो गया 1/2 O2। इसके लिए आप निकालिए एवरेज रेट रिएक्टेंट के पहले माइनस डेल्टा N2O5 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू मोल है तो 1/2 डेल्टा NO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 है 2 मोल आ जाएगा O2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गया है आपका किसके लिए डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। या इसको यदि बैलेंस करना हो, यदि बैलेंस किया जाए इसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप An2O5 ये डिकम्पोज हो रहा है, ये सब क्या है गैस है, डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन गैस में। इसे बैलेंस किया जाए, यहाँ 2 कर दिया जाए, यहाँ 4 कर दिया जाए, सबका जस्ट डबल कर दिया जाए 2, 4 इसे हटा दिया जाए बैलेंस 4 2 8 2 10 5 2 10 4 4 नाइट्रोजन, इसलिए इक्वेशन है आपका बैलेंस्ड है। तो इसके लिए यदि निकालना हुआ एवरेज रेट 2 मोल है माइनस 1/2 डेल्टा An2O5 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल 4 मोल है 1/4 डेल्टा NO2 नाइट्रोजन डाई या पर ऑक्साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू कोई मोल नहीं है तो डेल्टा O2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये मिलता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम में जितना भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट होता है उसी का नाम रखा गया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको इस टाइप से रिएक्शन दे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको मिलता है इंपॉर्टेंट, ऐसे दे दिया जाता है 4 ऑप्शन, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस।
ये है आपका क्वेश्चन, इन ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट आपका क्या है, ए है, चेंज हो रहा है इतने मोल पर लीटर से इतने मोल पर लीटर, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है और ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। टाइम कितना दिया गया है टी, ये दिया गया है आपका 10 मिनट। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं गिवेन बाय क्या क्या दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन मींस ए का A1 लिख लेते हैं 0.200 मोल पर लीटर, A2 का कंसंट्रेशन 0.150 मोल पर लीटर और टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 मिनट। निकालना है आपको एवरेज रेट, तो हम जानते हैं एवरेज रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट ए के लिए पूछ रहा है तो माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमें पता करना है डेल्टा ए का कंसंट्रेशन और हम जानते हैं कि डेल्टा ए का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहां आप लिख लेते हैं ये है फाइनल ए का कंसंट्रेशन और माइनस है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कितना है 0.150 माइनस, और ये दिया गया है आपका 0.200। ये माइनस कर लेते हैं 0.050, ये आ जाता है मोल पर लीटर। वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए तो ये माइनस हो गया 0.050 डिवाइडेड बाय 10, ये बराबर आ गया है आपका 0.005 मोल पर लीटर और पर मिनट, ये हुआ इसका क्या आंसर। तो हमें ध्यान देना है कि फाइनल दिया गया है कंसंट्रेशन इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे आपका डेल्टा ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका माइनस माइनस है और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, क्योंकि ये वैल्यू जो आने वाली है ये माइनस में आ रहा है, इस बात को आप ध्यान देंगे, जो भी आएगा ये माइनस में आएगा, इसको माइनस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चंस।